नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरआर टेल्स पर। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं, यह कहानी महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक का कहानी रूपांतरण है। कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत समय पहले की बात है, कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में ही व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुंचे। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। शिष्य गंगाधर बाजार पहुंचा और सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहां प्राय सभी वस्तुएं 1 रुपये शेर के भाव से बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध, दही एवं मिठाई, सभी चीजों का एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ग्रहण करते ही है, क्यों न आज एक शेर मिठाई ही खरीदी जाए। तो उसने सब्जियों के बदले एक शेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाई। गुरुजी ध्यानमग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितना जल्दी हो सके हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और महामूर्ख है। ऐसे स्थान पर कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन यहीं रह लूं। गुरुजी के लाख समझाने पर भी गंगाधर नहीं माना। तो हार कर गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, टके शेर की मिठाई खाकर थोड़ी सेहत बना लो। यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर गुरुजी ने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षा लेने के लिए निकलता और जो 1-2 रुपया प्राप्त होता उसके अच्छे अच्छे मेवे मिठाइयाँ खरीद कर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई महीने गुजर गए। खा पी कर गंगाधर काफी मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन एक गरीब विधवा की बकरी एक किसान के खेत में लगी फसल चर रही थी। किसान ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोते हुए विधवा राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर किसान को राजा के सामने पेश किया। राजा ने किसान से कहा कि या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ो। अब भला किसान बकरी को जिंदा कैसे करता? तो जल्लाद को उसे फांसी देने का आदेश दे दिया गया। किसान दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में बहुत ढीला पड़ रहा था। जल्लाद ने राजा से कहा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले के आकार से बहुत बड़ा है, इसको फांसी नहीं दी जा सकती। कुछ देर तक राजा सोचता रहा और जल्लाद से बोला, जाओ आसपास जो सबसे मोटा तगड़ा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वो गंगाधर की कुटिया के पास से गुजर रहे थे, तब वहां गंगाधर तेल मालिश करके दंड बैठक लगा रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो हो गया हमारा काम, हमारा शिकार मिल गया। इसके गले में फांसी का फंदा बिल्कुल सही आएगा। गंगाधर को पकड़कर फांसी के तख्ते तक लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हो? राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही कसूर है कि फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्त पर
तुम्हें ही चढ़ना होगा। गंगाधर को गुरुजी की बातें याद आ गई। वह बोला, महाराज मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। राजा ने गंगाधर की बात मान ली। गंगाधर के ध्यान लगाते ही गुरुजी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने चुपके से उसके कान में कहा, क्यों गंगाधर, देख लिया टके शेर मिठाई खाने का मजा? अब जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गंगाधर को अपनी योजना समझाने के बाद गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी तो मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। उधर गंगाधर भी जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं पहले मुझे फांसी दे दो। अब एक ओर जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर गंगाधर। राजा गुस्सा होते हुए बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो, इसका क्या कारण है? गुरुजी तो इसी बात की ताक में थे। बोले, राजन अभी जो फांसी का मुहूर्त चल रहा है, ऐसा मुहूर्त हजार वर्षों में एक बार के लिए ही आता है। इस वक्त जो फांसी पर चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो निरामूर्ख और चौपट था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के, सूरत देखी है आईने में अपनी? बड़ा आए हो 5 गुना बड़ा राज्य का राजा बनने। अरे ठहरो, मैं खुद फांसी पर चढ़ लूँगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीन लेकर अपने गले में डाल दिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहाँ से तुरंत खिसक लिए। तभी से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो साथियों, कैसी थी आज की कहानी ज़रूर बताइएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।